हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है हमारा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये तो डायरेक्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 हो, है ना, और e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 1 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास लिमिट अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा है क्वान्टिटी, अगर a टेंडिंग टू 0 है और e टू द पावर यहाँ पर कुछ भी है माइनस 1 और नीचे में यहाँ पे वही चीज़ है हमारे पास, तो अगर इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, है ना। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ ध्यान देखो, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, e टू द पावर 4x है, माइनस 1 अपन यहाँ पे x दे दिया है। तो इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लाने के लिए अगर जो क्वान्टिटी यहाँ पर लिखा है अगर वही यहाँ हो तब तो हम उसको 1 लिख देंगे। तो e टू द पावर 4x है ना, तो तुमको नीचे में क्या कम रहा है, 4 कम रहा है, तो सिंपल सा बात है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चूंकि आपने नीचे में 4 से मल्टीप्लाई अपने मन से कर दिया, तो आपको तो इसको बैलेंस करना है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया, अब देखो एक क्वांटिटी तो हमारा 1 हो गया ना, तो 1 इंटू 4 आंसर कितना हो गया, आंसर इज 4। सो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चे।